हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ीशान ए डॉट एस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरबत उन्नाब की। ये आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे हाथ में ये शरबत उन्नाब है और इस वक्त जो देख रहे हैं आप ये शमा कंपनी का है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक क्लासिकल मेडिसिन है और यूनानी फार्मेसी की तकरीबन सभी कंपनियां इस मेडिसिन को बनाती है या बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं और इसको आसानी से यूनानी मेडिकल स्टोर पर खरीदा भी जा सकता है। इसकी जो एमआरपी है आप देख रहे हैं 200 ml की 70 rupees इसकी एमआरपी है, तो बहुत सस्ता भी है, इतना कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आज दोस्तों मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, इससे क्या क्या फंक्शन है, कैसे बनाया जाता है और कौन कौन से मर्ज में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कितनी डोज या मिकदार खुराक किस वक्त इसको दी जा सकती है, किसको दी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये सब बात बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहले और आसानी से पहुंचती जाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका नाम शरबत उन्नाब क्यों रखा गया है। दोस्तों, उन्नाब जो है एक मेडिसिन होती है, आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिसिन है, वो इसमें जुजे खास के तौर पर शामिल की गई है, इसलिए इसका नाम उन्नाब रखा गया। शरबत के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक ऐसा यूनानी मुरक्कब होता है जिसमें जोशांदा दवाओं का जोशांदा और शहद या शक्कर का होना जरूरी होता है, वो शरबत कहलाता है। अब अगर बात करें दोस्तों इसके फंक्शन की, तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो मुसफ़ी खून है, ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है। दोस्तों एक बात और बता दूं कि इस शरबत उन्नाब को मैंने बना करके दिखाया है, हमारी डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देख सकते हैं जाके, शरबत उन्नाब कैसे बनता है घर पे, हम इसको कैसे बना सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, मैं फंक्शन की बात कर रहा था इसके, तो सबसे पहला फंक्शन है इसका मुसफ़ी खून, खून को साफ करने वाली दवा है। उसके बाद ये मुसक्किन भी है, सेडेटिव है, सुकून देने वाली। साथ में दोस्तों ये मुबर्रिद खून भी है, यानी कि खून में बढ़ी हुई गर्मी को ठंडक देने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात करें कौन कौन से मौकों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन से मर्ज में दे सकते हैं, तो दोस्तों ऐसे मर्ज जो ब्लड डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, फसाद खून की वजह से होते हैं, जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, स्किन डिजीज खास तौर से, उनमें इस शरबत का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसका इस्तेमाल खांसी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस्तेमाल करा सकते हैं। अब अगर बात करें इसमें कौन कौन सी दवाएं हैं और कैसे इसको तैयार किया जाता है, तो दोस्तों उन्नाब जो है वो मैं बता ही चुका हूँ, जुजे खास या मेन कंटेंट के तौर पर इसमें शामिल किया गया है। अब अगर हम इसको घर बनाना चाहें या इसको कैसे बनाएं, तो हालांकि मैंने वीडियो बताया कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जो आप उसमें देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है, फिर भी मैं आपको बता दूं इसमें अगर हम एक नुस्खे के मुताबिक उन्नाब 300 ग्राम लेते हैं, तो शक्कर 2 किलोग्राम लेते हैं, सत्य लेमू 6 ग्राम और नतरून बंजारी 3 ग्राम लेते हैं। अब उन्नाब को क्या करते हैं, हम रात को नियम को उसको छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिगोते हैं, और पानी जो है दोस्तों अगर हमने उन्नाब 300 ग्राम लिया तो पानी 2 लीटर लेंगे। अब सुबह को जब वो पानी को हम पकाएंगे और जब पानी आधा रह जाएगा तो हम उसको जोशांदा बना के उतार लेंगे और उसको छान लेंगे, फिर एक तरफ हमने जो शक्कर जो ली थी उसका केवाम बना के, चाशनी बना के दोनों को फिर मिला के पकाएंगे, लास्ट में हमने जो सत्य लेमू और नतरून बंजारी लिए वो डाल देंगे और इससे शरबत का केवाम देखते रहेंगे, और जब वो तैयार हो जाएगा तो उसको हल्के आंच से दे करके उतार लेंगे। ये शरबत बनाने का तरीका है, हालांकि ऐसे समझाने में बेहतर नहीं है, आप चाहें तो हमारे इसी शरबत को बनाते हुए देख सकते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ीशान ए डॉट एस पर। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों इसकी डोज या मिकदार खुराक कितनी है और इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों को शुगर की परेशानी है या ब्लड शुगर इंक्रीज रहता है, उनके बढ़ा हुआ रहता है, तो वो लोग इसका हरगिज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें शक्कर का इस्तेमाल किया गया है तो कहीं ना कहीं शुगर बढ़ जाएगी। अब दोस्तों बात करें इसकी डोज या मिकदार खुराक की, तो दोस्तों इसकी डोज जो है वो 10 ml से 20 ml के दरमियान सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर एज 15 साल से ज्यादा है। अगर 15 साल से कम उम्र है तो आप 10 ml इस्तेमाल कराएं, वो एज के हिसाब से कम करते चले जाएं। तो ये इसकी डोज या मिकदार खुराक के साथ में, इसके साथ में बेहतर है कि आप कोई दूसरा अर्क भी इस्तेमाल करें, जैसे अर्क मुंडी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या और साथ में दूध का भी इस्तेमाल करें, 250 ml दूध अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी बहुत सारी वीडियो हैं पहले वो देखते रहें,
और अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।